वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। सुखमणि साहिब मन ही नहीं तन दे रोगां नूं भी दूर करदा है। ओह प्रभु सब कुछ कर सकदा है, उन्हां दी सिर्फ एक नज़र दी लोड़ है। एक सिख सी, इतिहास विच उन्हां दा नाम लिखिया होया भाई पागो। वह रोज़ सुखमणि साहिब का पाठ करते सी, आते पाठ भी बोल बोल के उच्ची उच्ची करते सी ताकि दूजे के कन्नां विच भी वह पवे। आते वह रोज़ जदों गली विचों लंघते सी तां रोज़ ही वह उच्ची उच्ची पाठ करते सी। एक बंदा वह रोज़ सुनता सी क्योंकि पागो जी पाठ उच्ची करते सी तां दूर तो ही आवाज़ सुननी शुरू हो जाती सी। जदों उसका घर लंघते सी उस समय अगे जाते भी आवाज़ आती रही सी। इंज किन्ने दिन बीत गए, फिर एक बंदे ने गौर की कि कोई लंघता है, जदों लंघता है तो वह कुछ बोलता है, जदों वह बोलता है तो उन्हें बड़ा ही सुकून मिलता है, तो उसनू जो दुख सी उदा दूर हो जाता है। उन्ने समय लिए उन्हें कोई दुख नहीं होंदा। वह व्यक्ति किसी एक रोग नाल ग्रस्त सी क्योंकि जदों वह बंदा बीमार सी वह जदों सिख कुछ उचारदा सी उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून आउंदा सी उहदी आत्मा नूं। एक दिन जदों सिख उतों लंघ रहा सी, गुरबाणी का उच्चारण कर रहा सी, तां वह बंदा अपने घरों बाहर आया तो कहन लगा, सिंह जी तुसी किस शब्द का उच्चारण करते हो, यह की है जो तुसी बोलते हो। मैं बड़े लंबे समय तो एक दुख नाल ग्रस्त हाँ, पर जदों दूर तो तुहाड़ी रसना की आवाज़ आती है मेरा दुख दूर हो जाता है। मैं अपना दुख ही भुल जाना, मैं कितने लीन हो जाता हाँ। ते जो तुसी मेरा घर लंघ जाते हो तो रसना की आवाज़ आनी मेरे कन्ना विच नहीं पैंदी, ये बंद हो जाती है तो मैं फिर दुख नाल ग्रस्त हो जाना। दसो तुसी की उच्चारण करते हो। अगो सिंह ने कहा, ये सिख पंथ दे गुरु नानक देव जी की गद्दी ते पंजवें वारिस गुरु अर्जन देव जी की गुरबाणी सुखमणि साहिब है। उस मनुख ने कहा, सिंह जी मेरे ते कृपा करके तुहानू कोई इतराज़ ना होवे ता रोज़ एक पाठ तुसी मेरे घर आके सुना सकते हो। मैं उठ नहीं सकता, मैं अज बड़ी हिम्मत करके तुहाडे कोल आया हाँ, इसलिए मेरी ये बेनती स्वीकार करो। पुराने समय विच लोग एक दूजे की ज़्यादा मदद करते सी, एक दूजे की भावनावां की कदर करते सी, पर अजकल ये सब अलोप हो रहा है ते अलोप ही हुंदा जा रहा है। फिर सिख ने रोज़ उसके घर आना तो सिंह ने चौंकड़ा मार के बैठना, तो उस बंदे ने भी कोशिश करनी कि चौंकड़ा मार के वो चौंकड़ा ला के सहारा ला के बैठ जाना, तो अपने मनो तनों सुखमणि साहिब का पाठ सुनना। तो हौली हौली जिमें जिमें गुरबाणी वो कन्ना विच पई वह कुछ कुछ शब्द नाल उच्चारण भी करन लगा, उवें उवें वह ठीक होन लग्या क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास सी, भरोसा सी कि मैं इसनू जिमें जिमें सुनागा ये शब्द मेरे अंदर जाणगे मैं ठीक हो जावांगा। एक दिन श्री अमृतसर साहिब तो श्री हेमकुंड साहिब लिए कुछ संगत वालों यात्रा करन बारे विचार किया गया अते यात्रा लिए इकट्ठे हुए लोग तुर पए। जदों संगत रस्ते विच जा रही सी तां उन्हां विचों एक साथी उन्हां दा कुछ बीमार जिहा हो गया, उहदे पेट विच अजीब जिहा दर्द होया। सब जने उसनू डॉक्टर की सहायता नाल दवाई ते होर जो भी मुढ़ली सहायता बनती सी ओह कीती, थोड़ा जिहा आराम होया ते ओह अगे वल नू वधे, पर उहदी तबीयत विच फिर कोई फर्क ना आया ते उवें ही हो गया। मन विच सब कहन लगे, हे दसम पिता गुरु गोबिंद जी, असी तुहाडे दर्शनां लई आए हाँ। वह भी बड़े उत्साह नाल ते अपने साथी की यह हालत देख के मन नू बड़ा दुख हो रहा है, तुसी कुछ निवारण करो। सब ने अरदास कीती, फिर वह एक जगह पहुँचे अते उत्थे जाके रुक गया। तो एक साथी ने कहा, आप रोज़ गुरुद्वारे जाते हाँ, उत्थे सुनते हाँ कि सुखमणि साहिब सब रोग दूर कर दे, आप सारे जने रल के करते हैं। तो उन्होंने कहिंदे, तुसी भी चौंकड़ा ला के बैठ जाओ, तुसी मन ला के सुनो। वो पाठ आरंभ करते हैं अते फिर पाठ करते करते जो हो जाता है तो अरदास करते हैं अते उत्थे अगे वल नू वधदे हैं। तां ओह गुरु अर्जन देव जी नू ऐसी उसकी बाँह फड़ी वह ठीक हो जाता है, तो सारी यात्रा उन्हें उत्साह नाल कीती। सिर्फ गल है कि विश्वास सी, सुखमणि साहिब सब दा इलाज है। तो ऐसी ही बख्शिश उस बंदे ते हुई सी जो रोज़ चौंकड़ा मार के सुखमणि साहिब की बाणी सुनदा सी। जदों वह ठीक हो गया तो कहा, सिख जी मैनू तुसी जो गुरबाणी सुनाउंदे हो उस गुरु जी के दर्शन भी करा दिओ। जदों वह गुरु अर्जन देव जी कोल गए अते उत्थे मत्था टेकया,
फिर उन्हें सारा कुछ दस्या कि किवें एक गली विच पाठ करदे सी अते मैं इन्हां नूं बुला के अते रोज़ पाठ सुनदा सी किवें मेरा दुख दूर होया किवें मेरा दुख कट्टिया गया। तां गुरु अर्जन देव जी नूं कहिंदे कि इन्ना तां मेरा दुख ठीक हो गया, जो रहिंदा है तुसीं उस नूं भी कट दो। ओह कहिंदे उन्हां सामने वल इशारा कीता अते कहा तुसीं उत्थे चले जाओ। तो उत्थे सामने श्री गुरु रामदास जी दे दरबार साहिब दे ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी सी। उसने भाई साहब जी नूं जाके दस्या कि मैं सुखमणी साहिब नाल ठीक होया ते गुरु जी ने मैनूं तुहाडे कोल भेजिया, उन्हां कहा है कि तुसीं उन्हां कोल जाओ। तां भाई जी कहिंदे तुसीं इत्थे खड़े हो जाओ अते मैं थोड़ी देर तक आउंदा हाँ। जदों उत्थे खड़े सी तां सरोवर दी सेवा चल रही सी अते सेवा करदे करदे होए एक टोकरी उन्हां दे ढिड विच जाके वज्जी ते जो भी उन्हां दे ढिड विच सी ओह बाहर आ गया। भाई साहब जी कहिंदे इह सुखमणी साहिब नाल ही होया, हुण तुहाडे सारे रोग दूर हो गए हैं। पूरे विश्वास नाल कीतियां गईयां अरदासां ते बिना विश्वास तो कीतियां गईयां अरदासां विच जिहदे नाल तुसीं विश्वास कीता ओह अरदासां जल्दी पूरियां हुंदियां ने। इसलिए तुहाडियां अरदासां दी पूर्ति इस गल ते निर्भर करेगी कि तुसीं अपनी जिहड़ी अरदास कीती है किन्नी ईमानदारी ते किन्ने विश्वास नाल कीती है अते तुहाडे धर्म विच तुहाडा विश्वास किन्ना मजबूत है, क्योंकि रब साडे नाल है। रब ने सानू बनाया है अते परमात्मा ने सानू रचा है, वह हरेक चीज़ नू रचन वाला है। यह सब रब दे गुण हैं, पर सानू इस सब ते विश्वास करना पड़ेगा। हुण समा आ गया है कि असी अपने मन दे पिंजरे चों बाहर आईए, अपने आप ते भरोसा करिए, अपने गुरु ते भरोसा करिए। जिन्ना चिर असी अपने आप ते भरोसा नहीं करांगे असी गुरु ते भरोसा नहीं कर सकते। असी अपने अंदर वाले रब ते भरोसा करिए, दूजियां ते भरोसा करिए, जिस विच गुरु दा रूप है उन्हां सब ते भरोसा करांगे तां ही असी इस दुनियावी संसार तो उपर उठ सकांगे। सिख कोल कोई विकल्प नहीं है कि गुरु ते भरोसा करना है या नहीं करना। गुरु तां सिख दे विच है, उसते अंग संग है। जो तुसी सचमुच उन्हां लोकां नूं वेखदे हो जो रब विच विच विश्वास करदे हन, जो रहानियत विच विश्वास करदे हन, जो अनंत अते मनुखता ते माण विच महसूस करदे हन, भरोसा एक जरूरी गुण है ते इनू अपने अंदर ते गुरु ते जारी रखो। अपने रब ते भरोसा तुसी हमेशा करना है। दुनिया दुखां विच है, संसार नूं चंगा करन दी लोड़ है। असी चंगा कीते बिना अपने गुरु दे नेड़े नहीं हो सकते। आओ असी भी गुरु की बाणी गाया करिए, समझिया करिए। गुरु की बाणी सदा ही सारे फल देन वाली है अते सुख देन वाली है। जिस मनुख नू इस गल का यकीन हो जाता है कि पार ब्रह्म ओ प्रभु पूर्ण परमेश्वर सब थावां ते मौजूद है, उस मनुख नू सब थावां विच सुख ही सुख प्रतीत होण लगता है। उनू किते होर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उनू हर जगह प्रभु ओ परमेश्वर ही दिखता है। तो सुख भी आपे ही मिलना है। बस एक अरदास मालक नूं हाथ जोड़ के कर दिया करो। हे प्रभु, जो किस्मत विच नहीं उस दी इच्छा मन विच भी ना जगाई, क्योंकि मैं तेरे हुक्म विच रहना है। मैं अपने आप नूं तुहाडी रजा विच रखना है। जिसनों परमात्मा तो उम्मीद होंदी है वह परमात्मा दे दर तो कदी खाली नहीं जाता। खाली उही जाते हैं जो परमात्मा नूं छड़ के लोकां ते उम्मीद रखते हैं, लोकां उत्ते डोरा रखते हैं। जदों तक बंदा लोभ वस हो के मेरी मेरी करता रहिंदा है तद तक उसके मन विच जो काम चल रहे होंदे हन अते वह कदी भी कुछ नहीं सोरदा। जदों ये सब उसके मन विचों मिट जाता है, जदों उहदे हिरदे विच वह प्रभु आप वास कर लेंदा है, जीवन मनोरथ पूरा हो जाता है उसका। जिहड़ा दुखदाई बीज वह मनमुख बीजदा है उसका उही दुखदाई फल वह हासिल करता है। वह कदे सुपने विच भी आनंद नहीं पाउंदा। परमात्मा की सिफ सलाह दे गीत गाने वाले मनुख परमात्मा का नाम सुन सुन के करोड़ों जगह के फल प्राप्त कर लेंदे हन, भाव करोड़ों किते हुए जग भी हर हर नाम के टाकरे ते तुच्छ हन। परमात्मा का नाम जपदिया जपण वाले मनुख अपन सारी कुलां भी तार लेंदे हन। जो बंदा अपना दिल साफ रखता है अते रब ते ही विश्वास रखता, होर किसी ते विश्वास नहीं रखता, किसी होर ते कोई आस नहीं रखता, यह जे बंदे दा रब वह मावां वांग ख्याल रखता, हमेशा उत्ते अपनी ओट बना के रखता है। इन्नी ताकत होर किसी विच नहीं है जिन्नी सच्चे मन नाल वाहिगुरु अगे की हुई अरदास विच है कि हे वाहिगुरु, मैं तेरे दर ते आया वा, मैं होर किते नहीं जाना। बंदे नूं सोच ते पानी हमेशा साफ ही वरतने चाहिए हैं, क्योंकि जे गंदला पानी वह बंदे की सेहत नूं खराब कर देंदा, उनू मंजे ते पा देंदा ते माड़ी सोच बंदे की जिंदगी ही खराब कर देंदी है। इसलिए बंदे नूं हर टाइम बाणी का जाप अपने मन विच तार लो कि मैं बाणी जपनी ही जपनी है।
हर समय मन विच रखो वाहिगुरु जो तुसी दिता है ते जो तुसी नहीं दिता ते जो दे के लै लिया हर एक गल लई तुहाडा शुक्र है क्योंकि जो तुसी दिता है वह तुहाडी रहमत है जो नहीं दिता वह साडी भलाई लई है ते जो दे के लिया है